हरे कृष्णा। ओम अज्ञानति म्लानदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कन्या गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता मेरे हाथों में है और मेरे सामने श्लोक जो कल मैंने पढ़ा था मुझसे एक भूल हो गई थी बेध्यानी में, और वो भूल थी कि ये श्लोक नंबर जो मैंने पढ़ दिया था थोड़ा बेध्यानी में गलत हो गया था। 9वें अध्याय का 70वां श्लोक, श्लोक नंबर 17 और अध्याय नंबर 9। ये मेरे एक गूगल ने मुझे करेक्ट किया, मेरा ध्यान दिलाया, धन्यवाद उसके लिए। पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यद्युर एव च। इस श्लोक को मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, कोई साधारण व्यक्ति किसी असाधारण व्यक्ति से, या कोई नॉर्मल इंसान किसी वीआईपी से, या कोई गरीब इंसान किसी धनवान व्यक्ति से संबंध जोड़े तो ये समझ में आता है उसकी जरूरत है ये संबंध ये रिश्ता जोड़ने की। लेकिन यह आश्चर्य होता है जब ब्रह्मांड का नायक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, जो कई टाटा कई बिरला कई अंबानी कई बिल गेट्स कई अमेज़न के अमेज़न वाले कई गूगल वाले कई माइक्रोसॉफ्ट वाले ऐसे कई धन कुबेरों को जो एक क्षण में बना सकता है, वो लक्ष्मीपति कृष्ण, वो लक्ष्मीपति माधव, जिनके माध्यम से ये सब अरबपति और खरबपति अमीर बने हैं, जिनकी कृपा से जिनके द्वारा ये सब बने हैं, वो भगवान, वो ब्रह्मांड का स्वामी, वो लक्ष्मी का पति,
हमसे रिश्ता जोड़ रहा है, स्वयं अपने श्रीमुख से इनिशिएटिव ले रहा है कृष्ण। और इनिशिएटिव लेके क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं। एक बात बताऊं, हम किसी से भी जब कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, या तो हमारा स्वार्थ होता है या फिर हम उससे प्यार करते हैं। अब भला भगवान का हम में क्या स्वार्थ हो सकता है? वो बेपरवाह बादशाह, उसे हम में क्या स्वार्थ हो सकता है? हाँ, वो हमसे प्यार करता है, और उस प्यार करने के कारण वो हमसे कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। एक बात बताओ, छोटे बच्चे से लेकर जवान इंसान और जवान से लेकर बूढ़ा तक, सबको एक चीज चाहिए और वो है प्यार। हम बचपन में थे तब भी हमको प्यार चाहिए था, जब हम जवान हुए तब भी हमको प्यार चाहिए, और जब हम बूढ़े होंगे तब भी हमको प्यार चाहिए होगा। बचपन में माँ बाप का प्यार, जवानी में पति पत्नी का या दोस्तों का प्यार, बुढ़ापे में बच्चों का प्यार, पोते पोतियों का प्यार, नाते नातिन का प्यार, हम सबों को तो प्यार तो चाहिए। कौन है जिसको प्यार नहीं चाहिए? क्योंकि प्यार ही है जिससे हमें शांति मिल सकती है, पीस। विदाउट लव वी कैन नेवर गेट पीस। प्रेम से ही शांति मिलती है, और हम सबों को शांति चाहिए, सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए। और पीस ऑफ माइंड, शांति कब मिलती है? जब हमारे जीवन में कोई हमें प्यार करने वाला मिल जाता है, प्यार करने वाला मिल जाता है। जब हमें किसी का प्यार मिलता है ना, तो हम बहुत शांत हो जाते हैं। दिल से दुनिया के हर गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। जब तक प्यार मिला ना था मुझको, सारी दुनिया से गिला था मुझको। जब तक प्यार मिला ना था मुझको, सारी दुनिया से गिला था मुझको। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, बचपन में हमें प्यार चाहिए था, जवानी में भी हमें प्यार चाहिए, और बुढ़ापे में भी प्यार चाहिए। प्यार सबको चाहिए, क्योंकि हम बिना प्यार के रह नहीं सकते। और याद रखना, प्रेम से ही शांति मिलती है। बिना प्रेम के शांति कैसी? घर में भी शांति कब होती पता है? जब प्रेम होता है।
ना? घर में शांति कब होती? जब सब प्रेम से रहते हैं तो घर में शांति होती है। किसी डिपार्टमेंट में भी शांति कब होती? जब सब प्रेम से रहते हैं तो शांति होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कब शांति होती? जब प्रेम से रहते हैं तो शांति होती है। भाई भाई के बीच में शांति कब होती? जब प्रेम से रहते हैं तो शांति होती है। दोस्तों के बीच में शांति कब होती? जब प्रेम से रहते हैं तो शांति होती है। अब ये प्रेम क्या है जो सबको चाहिए? यहां तक कि एक जानवर को भी प्रेम चाहिए। इंसान को तो छोड़ दो, जानवर को भी प्रेम चाहिए। मेरी माता बहन मित्रों, जब आदमी दुखी होता है ना, परेशान होता है, थका हुआ होता है, तब कोई प्रेम से दो शब्द बोल दे, आदमी की थकन उतर जाती है। जब पति घर पे आता है बिल्कुल थका हुआ, पत्नी प्रेम से थोड़ा मुस्कुरा देती है, पति की सारी थकन उतर जाती है। बच्चे प्यार से गले लगते हैं, पिता की सारी थकन उतर जाती है। बूढ़े माँ बाप चाहे कैसे ही बीमार क्यों ना हो, बच्चे थोड़ा प्रेम से बैठ जाते हैं, माँ बाप की बीमारी भाग जाती है। बचपन में हम रोते थे, माँ प्रेम से ऐसे थपथपाती थी, सारा रोना भाग जाता था। फिल्मों में भी क्या, गाने में भी यही कहते हैं, मुझे प्यार प्रेम प्यार दे, प्यार दे प्यार दे, दे मुझे प्यार दे। सबको प्यार की जरूरत है, सबको प्यार की प्यास है, सबको प्यार दे। हमारी बॉलीवुड की आधी ज्यादातर फिल्में प्रेम पे ही है। दुनिया का सबसे मशहूर शेक्सपियर का ड्रामा रोमियो एंड जूलियट प्रेम पर आधारित है। मेरी माता बहनों मित्रों, ये प्रेम क्या? ये प्रेम ही तो कृष्ण है। प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, कृष्ण जब बिखर जाते हैं, कृष्ण जब बिखर जाते हैं तो प्रेम बन जाते हैं, और प्रेम जब सुकड़ जाता है तो कृष्ण बन जाता है। इसलिए इनडायरेक्टली प्रेम के स्वरूप में सबको कृष्ण चाहिए। भगवद गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, समझिएगा, कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम का देवता कामदेव है वो भी मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं, अर्थात जो प्रेम है वो मैं ही हूं। मेरी बहनों, माता मित्रों, यही प्रेम जो इंसान को मिल रहा है वो कौन है? कृष्ण है। और यही प्रेम कृष्ण भक्तों को करते हैं। अगर वो हमें प्रेम ना करते तो कभी नहीं करते। मैं तुम्हारा पिता हूं, उनको क्या जरूरत पड़ी? भगवान तो निर्मोही है, भगवान को तो किसी से मोह नहीं है ना। लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। गीता में कई जगह कहा, अर्जुन को कहा, अर्जुन के माध्यम से हम सबों को कहा। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे हित के लिए कहता हूं,
है ना, हम सब कृष्ण को प्रिय हैं, हम सब कृष्ण के प्यारे हैं, कृष्ण हम सबको बहुत प्यार करते हैं। बस सिर्फ पीछे मुड़ के देखो, देखो कौन खड़ा है। याद रखना हमारी पीठ बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारी पीठ के पीछे हमारा ठाकुर है, हमारी मजबूती। आप ना लावारिस हो, आप में से ना कोई बेबस है ना कोई मोहताज है, बस हिम्मत से काम लो। वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको कभी किसी रूप में कहीं नहीं छोड़ेगा। याद रखना दो चीजें हैं, ठाकुर आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण हमें कहीं नहीं छोड़ेंगे और ये संसार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, यही फर्क है। संसार हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, संसार कहीं का नहीं छोड़ता है, और ठाकुर कहीं नहीं छोड़ते हैं, कहीं नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं। तभी तो कृष्ण ने कहा योगोक्षेम वहमयम, इन श्लोक पे तो मैं बात कर रहा हूं इन दिनों। और तभी कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे हित के लिए, ते हितम श्रुणु, सुनो मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये जो आप रोज सुनते हो ना हरि कथा, इसमें आपका हित है पता है, इसमें आपका भला है पता है, इसमें आपका कल्याण है पता है। और इन दिनों आप देखेंगे कि मैं इस कोरोना काल में सिर्फ गीता के श्लोक पे चर्चा करता हूँ, कोई कहानी नहीं, कोई कथा नहीं, कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं, सीधा जो श्लोक में कृष्ण ने कहा वो पढ़ के सुना देता हूँ। क्योंकि जो कृष्ण ने कहा उसी में हमारा परम कल्याण है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस समय कोरोना काल में जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग निराश होते जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी कभी पड़ोस में, कभी अड़ोस में, कभी किसको रोज हम सुनते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप चिंता नहीं करना, कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो आपके साथ ही है, हमेशा आपके साथ है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस समय जरूरत इसी चीज की है कि हम ये एहसास करें और उस एहसास पे हमारा विश्वास हो कि कृष्ण हमारे साथ है और तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तो जब कृष्ण हमें प्यार करते हैं ना तो हमारी छाती इतनी बड़ी हो जाती है। किसी का वारिस कोई है, किसी का वारिस कोई है, किसी का वारिस कोई है, लेकिन हमारा वारिस हमारा ठाकुर है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम कितने सौभाग्यशाली है मेरी माताओं बहनों मित्रों कि हमें कृष्ण की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और कितना सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करो। और ये ऐसा समय है कि लोगों की हिम्मत बढ़ाओ। लेकिन लोगों की कब हिम्मत बढ़ेगी, जब आपकी बढ़ेगी। लोगों से दो शब्द मीठे बोलो, अभी सबको प्यार की जरूरत है पता है, सब निराश, सबकी बॉडी लैंग्वेज टूट फूट गई है, सबका उत्साह कम हो गया है, कोई खुशी की खबरें नहीं आ रही है, कोई शुभ समाचार नहीं आ रहे हैं, सब देखा जो कोई मर रहा है, कोई क्या हो गया, कभी किसको कोरोना हो गया है। ऐसे में सबको हिम्मत की ज़रूरत है। और हिम्मत, आप भगवद गीता पढ़िए आपको आएगी, देखिएगा, आप हरि कथा सुने आपको हिम्मत आएगी, देखिएगा। और प्यार तो
मेरा ठाकुर बांके बिहारी हम सबों को करते ही, ये विश्वास रखना। मेरा कृष्ण मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा ठाकुर मुझे बहुत प्यार करता है, ये विश्वास रखना। इसी विश्वास पे मैं भी रोज आपके सामने बोलता हूँ कि वो बहुत प्यार करता है, और उसी की प्रेरणा से बोलता हूँ मेरी माता बहनों मित्रों, वो जब बुलवाता है तो मैं बोलता हूँ, और आपसे वो सुनवाता है तो आप सुनते हो। बस ये भरोसा रखना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घने रे। आपकी कृपा में ही सारे सुख है, और अवश्य आप हमें बहुत प्यार करते हो, तभी तो हम टिके हुए हैं। कृष्ण हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे ठाकुर, तभी तो हम टिके हुए हैं और टिके रहेंगे इस तूफान के सामने, बशर्त आपका विश्वास कृष्ण पे संपूर्ण बना रहे, वो हमें टिका के रखेगा इस तूफान में भी। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्याम सुंदर आप लोगों की रक्षा करें, आप लोग सुरक्षित रहो, सुखी रहो, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ कि कृष्ण हमें बहुत प्यार करते हैं निस्संदेह। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।